एक नॉन कंडक्टिंग डिस्क ले रखी है, इसका रेडियस कितना है ए, रेडियस ले लिया ए, और इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है सिग्मा, सरफेस एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है सिग्मा। एच हाइट से एक चार्ज क्यू और मास एम का एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया विद इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यू इज इक्वल टू कितना है जीरो। एच हाइट से दो पार्ट्स पूछे, गिवन क्या है क्यू बाय एम इज इक्वल टू फोर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट बाय जी, ये गिवन है, देख लेता हूं गिवन क्या है, फोर एप्सिलॉन जी बाय सिग्मा है, फोर एप्सिलॉन जी अपॉन सिग्मा, फोर एप्सिलॉन जी अपॉन सिग्मा, ये गिवन है। आई थिंक क्वेश्चन आया था ये, तो ए पार्ट क्या पूछा कि फाइंड एच सो दैट पार्टिकल जस्ट रीचेस डिस्क, जस्ट रीचेस डिस्क। बी पार्ट क्या पूछा, स्केच यूएक्स कर्व, यू क्या है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल किसी भी एक्स पे, एक्स क्या ले रखा है यहां से डिस्टेंस, इसको ओरिजिन मान लिया, वाई एक्सिस में एक्स ले रखा है, इसको एक्स एक्सिस मान लिया मतलब, तो किसी भी एक्स पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी ये स्केच करना है, एंड ऑल्सो फाइंड इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ पार्टिकल, इक्विलिब्रियम पोजिशन भी बतानी है कैसे करें। अब इसमें हो क्या रहा है कि जब इसको ड्रॉप किया तो ये कह रहा है कि जस्ट रीचेस, मतलब ये नीचे तो जा रहा है, नीचे जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग में जब ये नीचे जा रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्यूई जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, क्यूई क्यूई डोमिनेट करेगा एमजी से, एमजी कहां लगेगा नीचे, तो क्यूई ज्यादा होगा एमजी से, सॉरी एमजी ज्यादा होगा क्यूई से, तभी तो नीचे आएगा। लेकिन उसके बाद ये कह रहा है कि जस्ट रीचेस, मतलब जस्ट पहुंचता ही है बस, तो इसका मतलब किसी पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी कम हुई होगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, जैसे यहां पे अभी तो गेन करेगी वेलोसिटी, फिर उसके बाद कम होने लग जाएगी और यहां आते आते जीरो हो जाएगी, यही मतलब हुआ इसका। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि तो किसी पॉइंट के बाद क्या होगा, हो सकता है कि भाई एमजी जो है कम था पहले, सॉरी क्यूई जो था वो लेस देन था एमजी स्टार्टिंग में, तो तभी तो नीचे आ रहा था, और उसके बाद क्यूई जो है वो डोमिनेट करने लग गया किसी एक पॉइंट के बाद, जिससे क्या होगा रफ्तार कम हो जाएगी और यहां आते आते जीरो होगी। अच्छा तो अब कैसे करेंगे इसमें, अब हमें इसमें दो चीज पता होनी चाहिए, एक तो ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक में भी, स्टार्टिंग में काइनेटिक में हुई ना और फिर पूरी की पूरी काइनेटिक फिर दोबारा से पोटेंशियल में हो रही है, एक तो ये चीज हो रही है पोटेंशियल कन्वर्टिंग टू काइनेटिक, और दूसरा क्या हो रहा है कि पोटेंशियल भी हम जानते हैं डिस्क की वजह से एक्सिस पे पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करता है, कहां से मैक्सिमम होगा यहां पर और डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस पोटेंशियल डिक्रीजेस फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट सेंटर ऑफ डिस्क टू मिनिमम वैल्यू एट इंफिनिटी। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है वो भी डिक्रीज करता है फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट सेंटर टू मिनिमम वैल्यू एट इंफिनिटी। कैसे पता चला, क्योंकि हम पहले डिराइव कर चुके हैं कि पोटेंशियल एट एक्स ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क इज गिवन बाय क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है ये रूट ए स्क्वायर, मतलब रेडियस क्या है यहां पे ए रखा है रेडियस, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है किसी भी पे एक्स पे क्यू, ये क्यू बाय टू एप्सिलॉन होता है सिग्मा होता है जो भी, तो क्यू बाय शायद सिग्मा होता है मेरे ख्याल से, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन होता है ना, चेक कर लेते हैं क्यू होता है या सिग्मा होता है, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन होता है भाई,
इट इज सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन, ठीक। और ये क्या होती है, अंडर रूट ऑफ, ये आ गया, और ये वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये रेडियस होता है, आर लिखते थे, यहां रेडियस ए है तो ए आ गया। तो दोनों ही चीज मैक्सिमम से मिनिमम होती है, इंफिनिटी जाते जाते जीरो हो जाती है इंफिनिटी पे। ये भी जीरो, ये भी जीरो, मैक्सिमम कहां होगी यहां पर, और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां है यहां। इसीलिए क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में क्यूई कम था, फिर क्यूई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बढ़ती जा रही है जैसे जैसे नीचे आ रहा है, तो फिर उसके बाद किसी पॉइंट के बाद ये डोमिनेट करने लग गया, इसीलिए तो फिर वेलोसिटी डिक्रीज होते होते जीरो हो गया। तो अब ये जैसे नीचे आ रहा है तो ये पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है इसकी, क्यों? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज, वो भी बढ़ रही है, और वो क्या होती है, क्यू इंटू पोटेंशियल। तो वी जो बढ़ रहा है, हम जानते हैं कि वी बढ़ता है नीचे आते आते, तो जो पोटेंशियल बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है इसकी। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग टू काइनेटिक प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, दोनों में जा रही है, और फिर इस पॉइंट के बाद काइनेटिक एनर्जी जो है वो फिर से कन्वर्ट होने लग गई पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहां से और यहां तक हम क्या बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ी फिर घट के जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी यहां भी जीरो और यहां भी जीरो, तो पूरी की पूरी पोटेंशियल क्या बोल सकते हैं, यहां आते आते किसमें कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या बोल सकते हैं कि MgH इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है यहां पे सारी की सारी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी और काइनेटिक भी कुछ नहीं है और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो दैट इज इक्वल टू क्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहां पे, क्यू वी एट एक्स इक्वल टू जीरो माइनस वी एट एक्स इक्वल टू एच, यही तो हुई। तो कितना आ गया, क्यू इंटू वी एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो में कितनी है, एक्स को जीरो पुट करेंगे तो ये आ गया सिग्मा, सिग्मा ए अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया, और माइनस एक्स इक्वल टू एच पुट करेंगे तो कितना आएगा, एच पुट कर देंगे इसमें तो ये आ गया सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, एच पुट करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और माइनस एच, ये आ गया। अब इसमें क्या होगा, अब यहां से हम अब ये काम खुद करना, क्यू वी एच एक्स इक्वल टू जीरो क्या है ये, और वी एट एक्स इक्वल टू एच क्या है ये, तो ये हमने कर दिया यहां पर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे एच के लिए, तो एच जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो 4a बाय 3 आ जाएगा, ये खुद सॉल्व करना, कैलकुलेशन वर्क है, एच कितना आ जाएगा 4a बाय 3। मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यहां आने पर काइनेटिक बढ़ी फिर घट के जीरो, तो इसका मतलब काइनेटिक का कोई रोल नहीं रहा, यहां से और यहां कंजर्व करें तो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किसमें चली गई, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी गोज इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से एच आ जाएगा 4a बाय 3, फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकेंड है यूएक्स कर्व, यूएक्स कर्व यहां से निकालेंगे, ये क्या है, यू है, इसको मैं बोल सकता हूं ना यूएक्स, और एच को क्या कर दो, एक्स से रिप्लेस कर दो, तो यूएक्स कर्व क्या हो जाएगा, ये इस तरह निकालें। अच्छा अब इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि ये पहले जो है स्टार्टिंग में जो थी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये है ना, एमजीएच इज कन्वर्टिंग टू दिस। अच्छा इसको ऐसे नहीं, पोटेंशियल ये एच था, इसको अलग रहने दो। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एक्स पर क्या लिख सकते हैं, एमजीएक्स, एमजीएक्स प्लस किसी भी एक्स पर, यहां पर होगा, यहां पर होगा, तो कोई एक्स होगा ना यहां से एक्स दूरी पे, तो एक्स दूरी पे पोटेंशियल एनर्जी है उसकी कितनी, एमजीएक्स होगी क्योंकि एक्स ऊपर है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज क्यू इंटू सिग्मा, क्यू इंटू वी एक्स, तो क्यू इंटू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट,
और ये x की फॉर्म में ही आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये आ गया। तो ये क्या आ गया, ux किसी भी x पे, ये ux यहां से कर्व बनेगा। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी x पर क्या है, ये है। अब q, अगर मैं इसको q बाय m करूं, दिस इज ux ना, तो डेट इज इक्वल, अब यहां पे हम यूज कर सकते हैं कौन सा फॉर्मूला, q बाय m वाला यूज कर सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा, अगर यहां पे q को रख दूं मैं, mgx प्लस q को क्या लिख दूं, 4 सिग्मा g अपॉन, ये क्या था, एप्सिलॉन नॉट हो गया था ना, 4 सिग्मा g अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इनटू m, और ये क्या आ गया, सिग्मा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 4 सिग्मा जी, क्यू को क्या लिखा मैंने, 4 सिग्मा जी अपॉन एप्सिलॉन, क्यू को ये लिखा, और यहां पर क्या है, क्यू को क्या लिख दिया, 4 सिग्मा जी एम अपॉन एप्सिलॉन, और इनटू में भी तो था, इनटू में क्या था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो यहां से क्या आ गया, ये फिर से हम उल्टा लिख रहे हैं क्या, ये तो कैंसिल हो जाने थे ना, ये यहां पर एप्सिलॉन नॉट होगा, एप्सिलॉन नॉट बाय जी ऐसे कुछ है, तो देखना ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इसका हम कर्व प्लॉट कर देंगे, ये कर्व कैसे प्लॉट करेंगे, अच्छा अभी इसमें क्या है कि डिफरेंस, इसकी वैल्यू मैं दोबारा चेक करता हूं क्या थी, 4 एप्सिलॉन नॉट जी बाय सिग्मा है, 4 एप्सिलॉन नॉट जी बाय सिग्मा, फिर से गलत लिख दिया, 4 एप्सिलॉन नॉट g बाय सिग्मा, ये है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। तो 4 एप्सिलॉन नॉट, फिर से लिख देते हैं, q को क्या लिख दूं, 4 एप्सिलॉन नॉट g अपॉन सिग्मा इंटू m, ये तो हो गया q, और इंटू में क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा यहां नहीं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये है। तो सिग्मा कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, और 2 टू जा 4, तो 2 mg आ गया। तो ये क्या बन जाएगा, mg हम कॉमन निकाल सकते हैं, x प्लस कितना हो गया, 2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये क्या है ना, माइनस 2x, तो ये कितना हो गया, दिस माइनस x हो गया, दिस माइनस एक्स, ठीक, ये आ गया। इसको प्लॉट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का कर्व प्लॉट कर लेंगे, कैसे होगा कि पोटेंशियल एनर्जी पहले देखो डिक्रीज कर रही है, पहले डिक्रीजिंग है क्योंकि यहां से कम हो रही, काइनेटिक में बदल रही है, और फिर वही काइनेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में दोबारा बढ़ गई, तो पहले घट रही है फिर बढ़ रही है, तो प्लॉट कैसे हो? अच्छा, इसमें फिर इक्विलिब्रियम पोजिशन भी निकालनी है, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी पूछिए ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन कब होगी, जब QE इक्वल टू क्या है, mg के बराबर, QE इक्वल टू mg, तो Q और E को क्या लिख दूं, QE बाय m, वहां से क्या आ गया, QE बाय m इज इक्वल टू g, अब Q बाय m को लिख देते हैं 4 एप्सिलॉन नॉट, Q बाय m को क्या लिख देते हैं 4 एप्सिलॉन नॉट g बाय सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E को ये लिख दो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जी, तो जी से जी कैंसिल हो गया, सिग्मा भी कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो गया, और ये आ गया 2, तो कितना आ गया 1 माइनस, दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 2 हो जाएगा, इधर जाके फिर क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर ले गया ये इधर आ गया, तो 1 बाय 2, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट
स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 3x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू ए बाय रूट थ्री। ए बाय रूट थ्री पे क्या है, इक्विलिब्रियम। अच्छा ये इक्विलिब्रियम पोजिशन, हम दूसरा मेथड क्या हो सकता था, यू एक्स हमारे पास है तो इक्विलिब्रियम पोजिशन क्या होती है, एफ इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, वही इक्विलिब्रियम है। यही तो हमने किया, क्यू इक्वल टू एम जी, एफ नेट क्या होगा जीरो, और एफ नेट क्या होता है डीयू बाई डी एक्स माइनस डीयू बाई डी एक्स। तो अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते और जीरो पुट करते तो वहां से भी एक्स की वैल्यू क्या आ जाती, ए बाय रूट थ्री। यहां से भी सॉल्व करेंगे तो ए बाय रूट थ्री, ये थोड़ी कैलकुलेशन मेरे ख्याल से टफ रहेगी, ये इजी थी। तो क्यू इक्वल टू एम जी करना था इक्विलिब्रियम के लिए, और फिर एक्स निकालना था भाई क्या किस एक्स पर ये इक्वल है, तो वो आ गया। अब प्लॉट कर सकते हैं इजीली, पहले डिक्रीज कर रही है ये यू, ये यू एक्स हो गया और ये एक्स हो गया। एक्स इक्वल टू जीरो पे, ये जीरो है ना, एक्स इक्वल टू जीरो पे कितनी वैल्यू है, पुट कर देंगे उसमें पोटेंशियल एनर्जी में, यहां पर एक्स इक्वल टू जीरो पे यहां पुट कर दो तो कितना आ गया एम जी एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहां से फिर ये पहले डिक्रीज करेगी फिर इंक्रीज करेगी, ऐसे डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, और फिर ये इस पॉइंट पे कितनी होगी एच पे, इसी के बराबर होगी सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी एच पे। दिस इज एक्स इक्वल टू एच एंड दिस इज मिनिमम, ये इक्विलिब्रियम पोजिशन है एक्स इक्वल टू ए बाय रूट थ्री पे। अब क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो तो एक बार इसमें डाल दो, तो ये कितना आ जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो डालो तो ये मिल गया मुझे क्यू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए, ए आ गया। अच्छा क्यू को क्या लिख सकते हैं, क्यू को फोर एप्सिलॉन नॉट जी अपॉन सिग्मा इंटू एम, और इंटू में क्या है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल सिग्मा कैंसिल और 2 टू जा 4 तो 2 एम जी आ गया। ये वैल्यू कितनी होगी 2 एम जी ए, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसी में ये जो यू एक्स है हमारा एम जी एक्स, इस यू एक्स में एक्स को क्या पुट कर दो ए बाय रूट थ्री, तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट थ्री एम जी आता है शायद एम जी ए, देखना चेक करके यही आता है मेरे ख्याल से। इसमें जो है क्या पुट कर देंगे एक्स को ए बाय रूट थ्री, तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो ये प्लॉट हो गया ग्राफ, और ये एक्स इक्वल टू एच पे कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, उसी के बराबर पुट भी करके देख सकते हैं, एक्स को एच पुट कर दो सेम आएगा टू एम जी ए। अच्छा एच में क्या पुट करोगे, एच निकाला था ना फोर ए बाय थ्री, तो फोर ए बाय थ्री पुट करके देखो यही आएगा। आई होप आपको अच्छे समझ आए, दोबारा देखेंगे तो और क्लैरिटी से आएगा। इट्स अ गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो इसमें कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी इसमें दो तरह की है, एक तो है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी।